हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये चुनावी नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं, किंतु जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए हैं उन्हें सभी क्षेत्रों में समान रूप से पूरा करने की जरूरत है। जनमत का सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन गलत होने पर विरोध से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वीरभद्र ने आगे कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हमारे राजनीतिक दल को दोबारा बेहतर तरीके से स्थापित करने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं वीरभद्र ने अपने संबोधन में क्या कहा। जो 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 नतीजे है ये चुनाव के राष्ट्रव्यापी वो चौंकाने वाले हैं। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी ओर से और हिमाचल प्रदेश की ओर से बधाई देता हूँ। वो वोटों के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे देश को एक समझते हुए उसका विकास करेंगे और किसी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। और जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हम यहाँ इतना हारेंगे और पीछे रहेंगे, मगर आप जानते हैं कि हमारी पार्टी में काफ़ी अरसे से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जो पूर्व प्रधान थे हमारे प्रदेश के, वो हमेशा सवाल में रहे और अगर समय रहते हुए उनको हटा दिया जाता तो उसे प्रधान को बता दिया जाता और सही किस्म के जो लोग हैं वो पार्टी में लाए जाते हैं। तो समझता हूँ इस जिस कदर ये हार हुई है वो ना हो पाती, बल्कि हम जी जाते हैं। आर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।